तो आ जाइए एक और थ्योरम के साथ अबाउट एबीलियन ग्रुप्स इससे पहले वाली जो थ्योरम थी वो थी जी इज एबीलियन इफ एंड इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आज जो थ्योरम है ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक ग्रुप होगा इसका मतलब है उसमें चार प्रॉपर्टीज होंगी ओके आई होप दैट यू रिमेंबर दैट बट उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी अगर हर एक एलिमेंट का सेल्फ इनवर्स होगा इसका क्या मतलब है अब अगर कोई भी एलिमेंट होगा ग्रुप में से ए इन जी कोई भी एलिमेंट फॉर ऑल ये कह रहा है कि एवरी एलिमेंट मतलब फॉर ऑल इस सेल्फ इनवर्स का मतलब क्या है ए इज इक्वल टू ए इनवर्स मतलब ए का जो इनवर्स होगा वो अपना ही आप है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए इज़ इक्वल टू ई एक ही बात है अगर मैं A को अप्लाई करूंगा तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल मतलब ये कह रहा है ऐसे अगर एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज सेल्फ इनवर्स मतलब ए इज इक्वल टू इनवर्स और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई अगर ये सेटिस्फाई हो रही है उस वाले ग्रुप में उस ग्रुप में अगर यह वाली प्रॉपर्टी पे हो रही है जी इज इज हमें प्रूव करना है, इक्वल टू याद रखना बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब उल्टा ये सही नहीं है इसका मतलब क्या है अगर जी एबिलियन है इसका मतलब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होगा इसके लिए मैं एग्जाम्पल दूंगा कन्वर्स पार्ट के लिए ओके सो वी विल प्रूव दिस वेरी रिजल्ट ये कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज सेल्फ इनवर्स तो हम लेंगे इसमें हमें क्या करना है शो ए बी इज इक्वल टू बी ए हम टेक करेंगे हम लेंगे दो एलिमेंट्स। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी बाय द प्रॉपर्टी इंप्लाइज ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इज इक्वल टू बी इनवर्स बिल्कुल ये तो आपको गिवन है नाउ यहां पर एक बात आपको समझनी है अगर ए जी का एलिमेंट है बी जी का एलिमेंट है सिंस जी इज ग्रुप इट मीन्स ए बी बी इसी जी में से होगा बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप्स दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी सिंस ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी एंड बाय द प्रॉपर्टी इसका जो इनवर्स होगा वो अपना ही आप होगा ओके okay. बहुत ही आसान है यहां तक तो बहुत ही आसान है नाउ हमें शो क्या करना है वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए है ना यही ओके okay. नाउ ओके okay, नाउ हमें क्या हमें शो करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए तो हम लेंगे ए बी अच्छा बाय द प्रॉपर्टी ये तो है इसके बराबर ए बी इनवर्स बिल्कुल गिवन है ये चीज बट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप्स ये होता है किसके बराबर ये उल्टा होता है बी इनवर्स ए इनवर्स

एलिमेंट ऑफ जी इज सेल्फ इनवर्स देन जी इज ए बीलियन तो आपके लिए इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है मतलब अगर आपको ग्रुप ढूंढना होगा ऐसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ के फोर इसको क्या कहते हैं के फोर को वी कॉल दैट क्लीन इज फोर ग्रुप अगर आपको उसके बारे में पढ़ना है तो मेरा जो फोल्डर है ग्रुप्स में है ना एक फोल्डर है ग्रुप्स का उसमें इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है आप आप वहां पर जा सकते हैं वहां पर है क्वार्टरनेनियन ग्रुप वहां पर है डायहाइड्रल ग्रुप वहां पर है सिमिट्रिक ग्रुप वहां पर है क्लीनस फोर ग्रुप उसमें होते हैं चार एलिमेंट्स और बट ये इसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है हर एक एलिमेंट का सेल्फ इनवर्स होता है मतलब हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स होता है फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक K4 फोर इस कॉल्ड क्लीन इसमें होते हैं चार एलिमेंट E A B और A B इनका

इसमें जो ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं ये होते हैं सेल्फ इनवर्स मतलब ए इज इक्वल टू एनिवर्स बी इज इक्वल टू बीवर्स ए बी इज इक्वल टू ए बी इनवर्स तो आपको प्रूव कुछ नहीं करना है बाय दिस थ्योरम ये हमेशा एबीलियन होगा के फोर इज ऑलवेज एबीलियन और इसका जो प्रूफ है वो मैंने आपको दिया है ओके okay? नाउ वट एबोट इट इस अगर हम इसका उल्टा लेंगे अगर हम इसका लेंगे कन्वर्स तो क्या ये सही है मतलब अगर जी एबिलियन है क्या ये इम्पोर्टेंट क्या ये इम्पॉर्टेंट है क्या ये जरूरी है कि उसके हर एक जो उसका हर एक एलिमेंट होगा उसका होगा सेल्फ इनवर्स बिल्कुल ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता बट

न टेक जेड फोर एडिशन मॉड्यूलो फोर इसमें होते हैं चार एलिमेंट्स इट इज एबिलियन ग्रुप जेड एन इज एबिलियन इसके बारे में आपको पढ़ना है तो वहां पर जाए फोल्डर में ग्रुप्स में वहां पर आपको इसके बारे में बहुत ही डीप uh, एक्सप्लेनेशन मिलेगी बट यू कैन शर ये एबिलियन है बट द इनवर्स ऑफ वन इनवर्स ऑफ वन इज थ्री एंड इनवर्स ऑफ थ्री इज वन सो वन का जो इनवर्स है वो वन नहीं है इसका मतलब सेल्फ इनवर्स इन द इन द सेम वे थ्री इज आल्सो नॉट द सेल्फ इनवर्स क्यों बिकॉज वन प्लस थ्री ये होता है फोर फोर इज इक्वल टू जीरो ऐसे लिखना होता है तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ तब तक अल्लाह हाफिज़